Khidkiyaan. Yeah. 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 All camera. All in one. Start from here. Then panning. Look here. Look here. Steady. Thank you. Hello. Hello. Hi. Hi. कैसे हो? Okay. चलो रोले. मुझे फातिमा सबसे पहले जानना चाहेंगे जैसे कि आज आप इधर पे हैं किस तरीके से आप इस इवेंट से जुड़े हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ. मैं एक्चुअली बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हूँ. मैं एज एन ऑडियंस आई हूँ बिकॉज एक्चुअली मैंने पोस्ट देखा था फेसबुक पे कि ऐसा कोई फेस्टिवल चल रहा है एंड आई डिडंट रियली नो एनीथिंग अबाउट इट एंड आई गॉट टू नो दैट मुकेश सर इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग इट. तो मैंने इनफैक्ट अभी यहाँ पे आके पूछा कि एग्जैक्टली इवेंट्स क्या है, क्या हो रहा है. एंड देन शी टोल्ड मी के इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉर्मल ऑडियंस टू एक्सपीरियंस थिएटर. तो आई थिंक मैं व्हेन आई वाज एक्टिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू थिएटर बट मुझ में उतने गट्स थे ही नहीं कि मैं लोगों के सामने परफॉर्म कर पाऊँ. और अभी भी नहीं है. मतलब मुझे अगर आप बोलो कि लाइव ऑडियंस के सामने कुछ बोलना है मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं. तो आई थिंक फॉर पीपल लाइक मी हु वांट टू डू समथिंग एंड हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ सच एन एनवायरनमेंट तो ऐसे ऐसे इवेंट्स पे ना क्या होता है कि आप लोगों को देखते हैं परफॉर्म करते हुए, आप उनको सुनते हैं, तो आप में थोड़ी हिम्मत आती है कि आप भी शायद एक स्टेप लो उसके यू नो टूवर्ड्स इट. सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव. I am not from theatre. So I don't know actually. You know, I think it's, you know, arts or creatives ऐसी चीज़ है कि आप hi कि if you're from theatre, it always helps you as an actor to develop your skills. But even you know being behind the camera is has its own, I don't know, I can't say anything because I've never done theater, so I really don't know. I'm not the right person to say anything about it. मैं तो मतलब मैं बहुत ही गंदी एक्टर हुई थिएटर में. बट ऑफकोर्स यार आई वुड वॉन्ट टू बिकॉज मैं मुझे स्टेज फ्राइटनेस है तो आई थिंक आई वुड वॉन्ट टू ओवरकम दैट समडे. मेरे कॉलेज में, हाँ, मैं मिठीबाई कॉलेज में थी. मेरा क्षितिज पतन, हाँ, तो मैं उसमें क्रिएटिव्स में थी, आर्ट्स एंड क्रिएटिव्स. आई वॉज दी HOD. तो फॉर मी फेस्टिवल्स आर वेरी स्पेशल बिकॉज मैंने कॉलेज कभी अटेंड नहीं किया. मैं 12th के बाद ड्रॉप आउट हो गई थी. तो मैं कॉलेज सिर्फ फेस्टिवल के लिए जाती थी एंड आई हैव मेट अमेजिंग पीपल देयर. आई थिंक ऑल माई फ्रेंड्स आई हैव मेट देम थ्रू द फेस्टिवल. नहीं यार, फिलहाल तो नहीं है. आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स, आई एम मीटिंग पीपल, बट नथिंग एज ऑफ नाउ. आई थिंक सिर्फ एक दिन नहीं चाहिए हमें वुमेन को सेलिब्रेट करने के लिए. बीट एनी अदर डे आई थिंक वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट वुमेन एंड नॉट ओनली वुमेन. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट इक्वालिटी. आई थिंक सबको मतलब सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं. सॉरी, पता है प्रॉब्लम क्या है कि मैं इतना आई नहीं ऑनलाइन. आई हैव हर्ड द नेम बट आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. ऐसे सवाल नहीं पूछते. I think that my film is a brave film and it is Anarkali Vara is a very brave film and I think that it's not just about message, it's a good story, it's a story that should be told, that should be heard, and it's basically a story about standing up for what is right. And women and men should definitely watch the film, not CT bajane ke liye aur taali bajane ke liye. Sir, Holi pe aayi, Holi pe kya kehna chahenge, kya wish dena chahenge, kya wish dena chahenge? Main bolungi ki bhai happy Holi aur bura na mano Holi hai, bahut achhi kahawat hai, ise galat andaaz mein mat lijiyega. Have a happy and a safe Holi and everyone should have fun on Holi. Ma'am, one picture. Have you ever done theater?
ये एक्चुअली मेरे बारे में बहुत बड़ी मिथ है कि मैं एक कोई बहुत ही मंझी हुई थिएटर की आर्टिस्ट हूँ. मैंने थिएटर कॉलेज में किया है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी आजकल खासा बदनाम. उसमें एक ग्रुप था, स्टूडेंट्स चैप्टर था इप्टा का, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जन नाट्य मंच का, तो भारतीय जन नाट्य मंच का, तो मैं उसका हिस्सा थी. हम लोग ज़्यादातर नुक्कड़ नाटक और क्रांतिकारी नाटक करते थे. और इसके बाद मैंने बहुत ही विख्यात दिल्ली के थिएटर के टीचर हैं, डायरेक्टर हैं, पंडित एन के शर्मा, उनका ग्रुप है एक्ट वन. मैंने एक्ट वन के साथ वर्कशॉप्स किए, लेकिन मैं प्रोसीनियम थिएटर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है. बट आई नो कि बॉम्बे में कोई भी जो ढंग की हिंदी बोलता है उसके बारे में लगता है कि वो ये थिएटर एक्टर होंगे. बट सो या आई एम जस्ट गेटिंग क्रेडिट फॉर समथिंग आई हैवन डन. भाई आप मुझसे अलग से मैम क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप इधर पे आए हैं तो थिएटर फेस्टिवल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप किस तरीके से. मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म में आजकल जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो लार्जली इसलिए आया है कि अपार्ट फ्रॉम द लीडिंग एक्टर्स, जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनको ज़्यादातर थिएटर से लिया जा रहा है. इससे एक फ़र्क आ गया है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग जो हैं सिर्फ स्टॉक कैरेक्टर्स को लेते थे, सिर्फ मेन एक्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करते थे और अगर कमीडियन है तो ये करेंगे और अगर वो. अब जो है वो बिल्कुल माहौल बदल गया है, क्योंकि जो कास्टिंग डायरेक्टर के आने की वजह से ये पूरा माहौल बदल गया है. थिएटर फेस्टिवल होना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है और मैं खिड़कियाँ को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि इस तरह से आप इनकरेज करते हैं उन एक्टर्स को जिनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग मिली है एक्टिंग में. और हमारे पास बहुत ज़रूरी है कि जितने भी थिएटर फेस्टिवल्स हो सकें उतने हों. आज की शाम ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये ओमपुरी जी के नाम पर है, और ओमपुरी जैसा भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के बेहतरीन अदाकारों में से थे और थिएटर से उनका उनका ताल्लुक रहा था. वह NST के स्टूडेंट थे. जब मैंने पहली बार ओमपुरी को देखा था तो एक नाटक में ही देखा था और मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई थी. मैं मुबारकबाद देती हूँ मुकेश को और खिड़कियों को कि उन्होंने ये फेस्टिवल रखा है ओमपुरी जी के नाम पर. जिस तरीके से एक्चुअली हमें सिनेमा जो डिजिटल होता जा रहा है, लोगों के पास में फिलहाल में वेब सीरीज आती जा रही है, टीवी सीरियल्स आ रहे हैं और जो फिल्में आ रही हैं, तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लोग थिएटर से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो वेरियस मीडियम्स हैं. जाहिर है कि थिएटर को साथ जीना इन तमाम मीडियम्स के साथ, इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी. और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको आर्ट्स के लिए जिस तरह की स्पॉन्सरशिप्स मिल सकें वो मिलें, क्योंकि थिएटर का अपना मायना है, अपनी जगह है, और इस जगह को अगर हम महफूज कर नहीं रखें तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी. थैंक यू. आगे आगे मत आओ, आगे मत आओ, कैमरा आ रहा है आपका. अरे बाबा अच्छा अच्छा बैठ भी देने आ रहा था. क्या बोल ऑनेस्टली मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी कि मैं कभी कैमरा के इस तरफ होंगी इस तरह के इवेंट पर. कॉलेज में हम हमेशा उस तरफ पे रहे हैं, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पर आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुकेश ने हमें ये मौका दिया. ऑल्सो बिकॉज यू फील लाइक यू नो व्हेन आई वाज इन कॉलेज हमें मौका इतना मिला नहीं था. पहली बात तो मैं बैंगलोर से थी तो उधर एक्सपोजर पहले कम था, अब तो थिएटर बहुत बड़ा है उधर. बट इट्स पीपल लाइक मुकेश जो टैलेंट को एक मौका देना चाहते हैं, एक तरह की एक सीढ़ी बन जाती है आपके लिए जिससे आप आगे बढ़ सकें अपने करियर में. एंड इट्स नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ टैबू टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और बी पार्ट ऑफ थिएटर. पहले कहते थे अरे कुछ नहीं आता है थिएटर में, एक्टिंग करते हैं, आगे क्या करना चाहते हो.
And now when you talk about theatre and movies, people really look up to you. So I feel like Mukesh जैसे लोग हैं जो हमें इतना proud feel कराते हैं कि हम इस field का हिस्सा हैं। जी। तो क्या-क्या memories हैं जैसे और जाना चाहेंगे college? College में actually मैं acting से ज़्यादा direct करती थी plays को। तो चाहे वो school में था, मुझे याद है जब मैं 10th standard में थी तो हमारे seniors का एक farewell था and हमने देवदास पे एक spoof किया था। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी at that point. That was the first time I directed something and it was hilarious. So I really enjoyed doing that. मुझे हमेशा लगता था कि मैं photographer बनूंगी या उस तरह से कुछ किसी तरह से जुड़ूंगी industry से, not as an actor. But पापा ने मुझे कह दिया बेटा photography का course बहुत महंगा है, खुद पैसे कमाओ, खुद कर लो. ये बोला गया था मुझे. Obviously belong to a simple middle class family, but when I started shooting my second film in Canada, मुझे याद है मैं Malaysia गई थी और मैंने एक चीज़ खरीदी थी अपने लिए, वो था एक DSLR and now my brother has taken it forward and he's using it, वो photography कर रहे हैं, वो theatre का बहुत बड़ा हिस्सा है Bangalore में, तो I feel very proud just being here. बहुत फ़र्क है, I think theatre is far more challenging. आपका आप कुछ भी कहो, एटलीस्ट मूवीज़ में हमें एक मौका मिलता है रीटेक करने का. मूवीज़ में ड्रॉबैक ये होता है कि आपको एक मोमेंट, आप थिएटर में एक स्टोरी को एक टाइम पे लिव कर रहे हैं एंड यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर इमोशंस. सिनेमा में ये होता है कि कट होने के बाद यू हैव टू पिक इट अप फ्रॉम देयर इटसेल्फ. सो दोनों अपनी अपनी जगह बहुत चैलेंजिंग है. थिएटर में आपको एक मेमोरी पावर की ज़रूरत है, आपको एक स्टेज प्रेजेंस की ज़रूरत है. You have to connect with the audiences without the help of any other person. So I feel like that is more challenging in theatre. और सिनेमा में चैलेंजिंग ये होता है कि आपको अपना एक मोमेंटम बना के रखना होता है. प्लस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इमोशंस देयर. और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप करना चाहेंगे? मैं कर चुकी हूँ अपनी नेक्स्ट मूवी साइन, लेकिन मैं बहुत सुपरस्टिशियस हो गई हूँ, सो आई हैव जस्ट लेफ्ट इट टू द प्रोड्यूसर्स. बहुत सिंपल एक्चुअली, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग आई प्लेड. चाहे वो मेरी साउथ की मूवीज थी, यहाँ पर तो एक ही फिल्म हुई है अभी और दूसरी रिलीज़ भी नहीं हुई है, तो कहना मुश्किल है. बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस तरह का वैरायटी आ रहा है. आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद अ स्क्रिप्ट लाइक दिस, सो व्हेन आई फर्स्ट रेड इट मुझे पता था कि मैं इसको जस्टिस कर पाऊंगी, तो मैं बहुत खुश हूँ प्रोजेक्ट से जुड़ कर. मुझे होली की सबसे प्यारी बात भांग लगती है. जस्ट किडिंग, बट रंगों से बहुत प्यार है मुझे. एज यू कैन सी आई एम लाइक ऑल रेड टुडे. मुझे रंगों से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड I think that's something I really look forward to. मुझे गीली होली नहीं पसंद, मुझे रंग बहुत पसंद है. अ डेंजरस प्लेटफॉर्म. आई थिंक एनी थिंग कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी इज डेंजरस नाउडेज. इट्स नॉट जस्ट सोशल मीडिया, एनी थिंग कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी. बट अनफॉर्चुनेटली अब हमारी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी पर आकर रुक चुकी है, उससे आगे कब जाएंगे पता नहीं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी फॉर टू रीजन्स. एक तो मेरे बड़े पापा का बर्थडे होता है, दूसरा आई थिंक वुमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ऑफकोर्स इट्स अ रिमाइंडर फॉर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दैट वुमेन हैव अ पावर, बट आई थिंक एज वुमेन फॉर अस एवरी डे इज वुमेंस डे एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन आर सेल्व्स. तो हमें एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, ये दिन उन लोगों के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि हम भी हैं, लेकिन हमें याद है कि हम हैं. थैंक यू, थैंक यू सो मच. हमारा एक गांव है छोड़ा, वहाँ रामनगर की मिल सके तो सबसे पहले वो आकर कराते हैं. सलमान खान की कहीं देख रहे हो, इतना लेट आता है, इतना लेट आता है, तो साथ में तुम चलती रहती है. थिएटर फेस्टिवल मेरा सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स टू डू इन कॉलेज. आई स्टिल रिमेंबर गोइंग टू द NSD फेस्टिवल्स एंड वेर इज दिस यूटोपिया इन दिल्ली नेशनल हैबिटेट सेंटर.
and obviously all the college festivals. So this is my first time I've come in Khidkiyaan, and I think last year was the first year that it happened. So I'm very excited. I don't really know what I think I'm going to be listening to a recital. I'm very excited about it. Obviously, there's a difference between stage and so stage is always happen on actual time, and the process that I think both they're very different. The experience of like I've not done a film, but if I talk about television and say theatre, the process and the journey to put up a show or put up a serial is very very different. Kabhi-kabhi kya ho jata hai ki jab hum TV pe shoot karte rehte constantly, wo thoda sa it tends to get a little mechanical. But stage is very, you have to be present there, and I think you have to give it your all, and it is much more spontaneous. So I'm looking forward to someday do a musical. I don't answer to hypothetical questions. Thank you. Actually, बहुत सारे हैं. I remember taking our backpacks, wearing our Kolhapuri chappals and those Fab India skirts and spaghettis in this dark cold. That is the kind of the vibe that we used to leave home in the morning. And I think by evening we wouldn't even looking like half nice as we used to, but in the whole day the kind of things, whether it was watching different kind of plays, right from serious play to plays to poem recitals to sometimes shairis to sometimes, I remember in the Habitat Center once they showed Mahabharat with Kathputli, so I don't forget all these the things. Every year would be new. So 4 years regularly have experienced it in different colleges. It's my most favorite. And then you used to get tired and we obviously wouldn't have chairs and also we'd just lie down in the grass eating like pani puri. So yeah, I have lots of good memories. I don't really play Holi, but yes, puja karke phir mandir mein thoda sa Holi chada ke and then probably parents and friends. जिस तरीके से digital cinema के टाइम में हो गया है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं theater जो है वो पीछे छूट गया है, लोग आगे चले गए हैं, लोग बिछड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं थिएटर के साथ बिछड़ते. I mean it is definitely becoming slowly for say a particular kind of people like it, and it's becoming very very niche, but I don't think something as enriching and something as important as theater, which is a part of storytelling, can go anywhere. And places like Khidkiyaan and you know, the all the other all over the world, if you see, I know, I don't think stage is going away anywhere, because I think the Broadways abroad are as popular as the movies. And yes, in our country, even in our country, I think small villages, and so there are I have grown up seeing Jatra and street theater, so I think it's there. I definitely think that probably if it got more funding and it got more push, it would be way more. But theater is a medium of stage where you need to be present in person to kind of feel the stage. It is not like even if you see a play in your home on screen, like when we see this Shakespearean BBC plays at home, it's not as same as being in the theater present and experience it firsthand. So I think that's pretty much about it. Ma'am, your show just one your show Nagin number one show in colors, but from industry lot of criticism get this show blood. That's all right, not everybody can. I said that's all right, not everybody can like you per se. I dislike you. No. My answer is not everybody can like every single show on TV. So there will be people who would really appreciate you, and there would be some who. That's absolutely all right. Thank you so much. किशन देखो कुछ का बात नहीं थी तीन दिन जिंदगी भी थी बस ऐसे सारा दिन एक ब्लॉगिंग करते हैं यू नो भाई यस क्या बात है ये सारा बात है.
I think it's a great festival, it's a great platform for all sorts of artists to come in and show off their talent. So I think more of these platforms need to be given to the public, for people to come in, just the colleges, for any young talent basically. All creative minds come together at places like this, so it's a great initiative. And what do you think about the importance of theatre as framing in an actor? Well, I think it's important that we have more theatre and people, you know, watching more theatre than just movies on big screens. I think theatre is an art which is just fantastic. I don't want it to die. I would like to be part of theatre, so more festivals like this would enhance the art. Cool. कैसे मनाएंगे यार, किसी की पार्टी में जाएंगे, रंग फेंकेंगे, यही करेंगे. हाँ वही तो, खिड़कियाँ बोल दो यार. बढ़िया 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 त्यौहार है. क्या लगता है? अरे मोटिवेशन युवाओं के लिए बहुत बढ़िया मोटिवेशन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक आर्ट फॉर्म है जो थिएटर है. बहुत लोग पसंद करते हैं इस आर्ट फॉर्म को, और मेरे ख्याल से एक डाइंग आर्ट फॉर्म है. अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होगा तो इट बी एनहेंस्ड, और जो जवान लोग हैं जो इस कल्चर इस आर्ट में इंटरेस्टेड है मौजूद होंगे और शायद कुछ सीखेंगे इससे. मेरे प्रोजेक्ट्स अभी फ़िलहाल मैं दो स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अपने डायरेक्टर के साथ, और शायद इसी साल हम लोग ये पिक्चर बनाएंगे. थैंक यू. बहुत बढ़िया प्रयास है. एक साल पहले भी, पिछली बार भी मैं आया था, पूरा अटेंड किया था. हमारा भी नाटक था, इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शेड्यूल की वजह से. लेकिन मुकेश छाबड़ा का ये प्रयास मेरे ख्याल से बॉम्बे के अंदर इतने सारे थिएटर और फिल्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है, और मेरी शुभकामनाएं हैं. नहीं, मेरे ख्याल से मुकेश छाबड़ा ने जो सबसे बड़ा काम किया है, बड़े से बड़े बैनर से लेकर के और छोटे से छोटे बैनर वालों को और थिएटर वालों को और एक्चुअल जो रियल टैलेंट है उनके अंदर दूरी बहुत कम कर दी है. तो वो जो दूरी जो कम हुई है, और आज टैलेंट बेस पे ही कास्टिंग हो रही है, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. वरना इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में थिएटर के लोगों को कोई सोच भी नहीं सकता था पहले. आज ये सब पॉसिबल हो पाए इन प्रयासों की वजह से. होली पे मैं तो दिल्ली होऊंगा, दिल्ली के पास में होऊंगा, तो अपने दोस्तों के साथ कुछ राइटिंग में बैठ रहा हूँ एक दफा हफ्ता 10 दिन, तो शायद वहीं जो भी होगा होली मेरे ख्याल से मनाऊंगा नहीं इस बार. भाई कीचड़ में बिना नहाए तो होली होती नहीं है, बिना भांग पिए और बिना कीचड़ में गिरे तो होली हमने तो खेली नहीं कभी, तो इसलिए आजकल खेलनी पड़ रही मजबूरी में थोड़ी सी बस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अरे छोड़. सिन्हा, अनुभव सिन्हा. Yes. Can you tell us about your thoughts on this festival? मैं पहली बार आया हूँ, but fantastic idea है. मुकेश ने किया तो अच्छा ही होगा. थिएटर को वापस इतना ग्रैंडर देना आसान काम नहीं है. यार अभी इवॉल्व हो रहा है थिएटर जो डिजिटल स्पेस में, मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो जाएगा अब लोगों तक पहुँचना. हाँ, बहुत सारे ऐसे रास्ते निकलेंगे कि थिएटर पहुँच सकेगा लोगों तक थ्रू द वेरियस अदर मीडियम विच आर ऑन पीपल्स फोन्स नाउ. नहीं अभी कुछ नहीं.
ओके सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कि आप खिड़कियों के आज ये थिएटर फेस्टिवल पे आए हैं, सो क्या देखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, बताइए थोड़ा सा। मैं एक्चुअली आज आया हूँ एक पैनल डिस्कशन के लिए, और डिस्कशन बिटवीन स्टेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए आया हूँ। एंड मुकेश जी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, एंड इट्स बहुत अच्छी बात है कि वो थिएटर के लिए एक ऐसा फेस्टिवल हो रहा है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के, थिएटर के, डिजिटल प्लेटफॉर्म के सारे आर्टिस्ट एंड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स सारे एकजुट होकर पैनल डिस्कशंस कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं। एंड ऑडियंसिस के लिए भी उस पैनल डिस्कशन का हिस्सा होना, उन वर्कशॉप्स का हिस्सा होना, उन वो प्लेस देख पाना, ये सब एक बहुत अच्छी गैदरिंग है, एंड आई थिंक इट्स ऑल हेल्पिंग द आर्ट। ओके, आपकी नज़र में फेस्ट की क्या मतलब डेफिनेशन है, आपके क्या सोचते हैं, आपकी कोई मेमोरीज इस तरीके से कुछ रही हो कभी फेस्ट की? मैं एक्चुअली पिछले साल भी यहीं आया था, एंड इस साल भी कभी कभी कॉलेज डेज में या कुछ में, कॉलेज में हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे, एंड हमेशा हम भी मतलब उसमें लगे पड़े होते थे कि उस फेस्ट का हिस्सा बनना, कल्चरल हेड हो जाना, फिर वो सारा कोऑर्डिनेशन कराना, एक बहुत अच्छा त्यौहार की तरह फीलिंग होती है, और बहुत लोग इकट्ठे भी होते हैं तो एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ जानना चाहेंगे उसके बारे में? अभी एक फिल्म ख़त्म हुई है विच इज़ कॉल्ड लव पर स्क्वायर फुट, डायरेक्टेड बाय आनंद तिवारी एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय रॉनी स्क्रूवाला, और अभी राजकुमार ईरानी जी के साथ तत बायोपिक शूट हो गया। जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल इम्पॉर्टेंट है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में डिजिटल? आज के ज़माने में मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो सबके एज एन ऑडियंस अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, तो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी अपलोड करते हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो एक स्केच हो, कुछ भी हो, वो जैसे ही अपलोड किया आपकी जेब में आ जाता है। अब चाहे वो ट्रैफिक में फंसे होंगे, वो 10 मिनट में आप देख लो, या कहीं भी बैठे हो आप कभी भी देख सकते हो, आपके लिए आपको उसके लिए एक प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथों में वो शो सीधे आ जाता है, तो आई थिंक वो बहुत इट्स द मोस्ट अप्रोचेबल मीडियम होती है। तो सोशल मीडिया में ट्रोल्स भी होते हैं, तो वो कैसे है अगर आप देखते हैं उसको? ट्रोल्स नहीं, मेरे ख्याल से कई लोगों का घर चल रहा होगा तो अच्छी बात है। और होली आने जा रहा है, तो किस तरह से आप सेलिब्रेट करते, कुछ बताना चाहिए? होली इस बार फैमिली के साथ ही हूँ, एंड कई मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैमिली के साथ ही होती है, अनलेस काम होता है तो शूट चल रही होती है, बट अगर शूट नहीं चल रही होती तो फैमिली और दोस्तों के साथ ही होती है। तो कुछ मेमोरी बताना चाहिए होली की, आपके कॉलेज की, या किस तरह के सेलिब्रेट करते हैं आप? होली यार काफ़ी नॉर्मल सी होली होती है, मतलब रंगों के साथ होती है, और मतलब फैमिली फ्रेंड्स के साथ होती है। मेरे लिए होली का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तब होता है जब आप रंग हो चुके हैं, पानी हो चुका है, ठंडा हो चुका है, पर जब गरम गरम वो भजिया और पकौड़े मिलते हैं मैं तो उसमें खुश होता हूँ। होली के दिन ज़्यादा कलर्स यूज़ किया जाता है, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों के लिए आप? कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहें और कुछ नहीं, कई बार जोश में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बट रिस्पॉन्सिबल रहें, एक दूसरे की केयर करते हुए खेलें, और उसको एंजॉय करने के लिए खेलें, ना कि रफिस करें। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय मुकेश चावड़ा कास्टिंग कंपनी, बिकॉज इट्स लाइक आई सेड, गैदरिंग्स लाइक दीज आर वेरी रेयर, वेयर देयर आर पीपल फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड, देयर आर पीपल फ्रॉम द थिएटर बैकग्राउंड एंड फिल्म्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल कमिंग टुगेदर एंड डिस्कसिंग देयर ओन परसेप्शन अबाउट दिस आर्ट फॉर्म, बी इट एक्टिंग और डायरेक्शन और राइटिंग। So I think it's a great platform for the audiences also to come here and participate in all of that. For us also to understand different mindsets, because हम भी यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठा हैं, हमें उनकी बात समझ में आती है, अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आई थिंक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बड़ा हो चुका है, एंड आई थिंक मोर पावर टू खिड़कियाँ। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने 3-4 साल करीब थिएटर करने का मुझे मौका मिला, एंड आई फील किसी भी एक्टर के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, एंड जब आपको थिएटर में स्टेज पे आप परफॉर्म करते हो लाइव ऑडियंस के सामने, आपसे गलतियाँ होती हैं, आपसे कुछ नया होता है, कुछ अच्छा होता है, तो आप वहीं आप इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हो, तो थिएटर इज़ एक्चुअली एन एक्टर्स मीडियम, सिनेमा इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, तो थिएटर में आई थिंक वो बहुत अच्छा रियाज है हर एक्टर के लिए, अपनी खामियों के लिए, अपने प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ देखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, तो आपको ये लगता है कहीं ना कहीं इसने थिएटर में थिएटर की ऑडियंस कम हो गई है और लोग? नहीं बिल्कुल, आई थिंक बहुत हैंड इन हैंड चल रहा है, इनफैक्ट ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि थिएटर एक्टर्स को, थिएटर डायरेक्टर्स राइटर्स को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है अपनी राइटिंग का, अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का, तो आई थिंक इट्स गोइंग हैंड इन हैंड, इनफैक्ट वो कहीं भी आपस में नहीं भिड़ रहे, आई थिंक वो बहुत ही हैंड इन हैंड चल रहे हैं, एंड ऑडियंसिस के लिए उनको एक
एक और ऑप्शन मिल रहा है, यू नो, अपने आप को एंटरटेन करके।